जो मैं आज आपको शो करने वाली हूँ सारी ही बहुत अफोर्डेबल हैं, ठीक है। अंडर 200 रुपीज़ में आपको मिल जाती है, 150 में भी मिल जाएगी और उससे भी कम मिल जाएगी अगर सेल पर चल रही है। सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लस इनके करंट प्राइसेस क्या चल रहे हैं वो भी आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगी। तो चलिए फर्स्ट लिपस्टिक्स मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो है स्टेक वोकी की। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट शेड गाइज, दिस इज़ कॉल्ड टू हॉट फॉर अ डेट नाइट, इट्स अ परफेक्ट शेड गाइज। अगर कोई भी स्किन टोन है, कुछ किसी भी तरह का आपका कलर कॉम्प्लेक्शन है, आप इसको लगा सकते हो। ये इतना ज़्यादा सुंदर लगता है। ये ड्राई होने के बाद थोड़ा ब्लरी इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से आपके लिप्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। कलर तो ये ब्यूटीफुल है ही, अगर आप एक बार इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट इसे मिनी में भी ले सकते हैं, इसकी मिनी लिपस्टिक्स भी मिलती हैं। तो इट्स अ वेरी प्रिटी शेड गाइज। ये ड्राई होने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी, ये बहुत सुंदर लगता है। लुक एट दिस, ये थोड़ा ब्लर हो गया ना, बट मेक श्योर आप इसके नीचे लिप बाम अप्लाई कर ले, क्योंकि स्टे कोकी की लिपस्टिक्स जो है वो लिटिल बिट ड्राइंग होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ 02 फ्रॉम मेबलिन सॉफ्ट वाइन शेड। बहुत सुंदर शेड है गाइज, मेरे पास इसका फुल ट्यूब भी है। जब ये मेरे पास पहली बार आया था, मुझे इतना पसंद आया था कि मैंने इसका फुल ट्यूब खरीदा था, ठीक है। और ये बहुत सुंदर लगता है, आप किसी भी स्किन टोन के हो आपके ऊपर ये चल जाएगा। बहुत सुंदर सा वाइन हल्का सा टिंच है इसमें ब्राउन का लिप्स के ऊपर, तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। विदाउट लिप बम भी ये कंफर्टेबल है, बट ये मैट लिपस्टिक्स है तो आई प्रेफर आप हल्का सा अपने लिप्स को हाइड्रेट ज़रूर करें इसको लगाने से पहले, ठीक है। हाइड्रेट करने का मतलब है लिप बम लगाएं, उसको किसी चीज़ से रिमूव कर दें एंड देन यू अप्लाई योर लिक्विड लिपस्टिक। दिस इज़ द बेस्ट वे टू अप्लाई एनी काइंड ऑफ लिक्विड लिपस्टिक, ओके। सो दिस इज़ द शेड गाइज, ये थोड़ा सा पहले वाले से डार्क है, ठीक है, पर ये बहुत सुंदर लगता है, मेरा बहुत फेवरेट शेड है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल्सो फ्रॉम मेबलिन गाइज, दिस इज देयर सॉफ्ट मैट लिपस्टिक्स एंड दिस इज कॉल्ड डिवाइन वाइन। और इन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जो भी लेना चाहते हैं सीधा आपको क्लिक करना है एंड यू विल गेट योर लिपस्टिक, ठीक है। सो ये है शेड, ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये एक इकलौती लिपस्टिक है इस कलेक्शन में जो ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है, मतलब ये ट्रांसफ़र होती है एक एक्सटेंट तक, ये ट्रांसफ़र होती है, उसके बाद ही आपके लिप्स पर टिक जाती है। एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल शेड गाइस, दस की स्किन टोन वालों के लिए तो ये बेस्ट शेड है, मीडियम और फेयर के लिए तो चल ही जाएगा। उसके बाद ये है मार्स की मैटिनी मैट लिपस्टिक, दिस इज़ कॉल्ड चेरी चेरी, यस 02, दिस इज़ कॉल्ड चेरी चेरी एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मरूनिश ब्राउन वाइनिश शेड, बेरी काइंड ऑफ शेड एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल ऑन एनी काइंड ऑफ स्किन टोन। ये मेरा बहुत फेवरेट शेड है गाइज, और इनकी जो पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और इनकी पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी पिगमेंटेशन है। ये थोड़ा सा डीप मरून साइड पर जाता है, ठीक है, और ये बहुत सुंदर लगता है लिप्स पे लगने के बाद, और ये भी ट्रांसफ़र प्रूफ है। तो मेक श्योर आप लिप बाम अप्लाई कर लें, हाइड्रेट कर लें इसको लगाने से पहले, आपके लिप्स बहुत खूबसूरत लगेंगे इसको लगाने के बाद। कोई भी ओकेजन है, ये आप डेली में भी लगा सकते हो, अगर आप इस तरह की लिपस्टिक्स लगाते हो डेली में तो आप ये लगा सकते हो, और ये काफ़ी देर तक लास्ट भी करती हैं, तो डेफिनेटली आप इनको ट्राई कर सकते हो। क्लोजअप में आने आपको सभी के इंसर्ट किए हैं, तो ध्यान से देखिएगा और चूज़ कीजिएगा अपना कलर, और मुझे कॉमेंट ज़रूर करना आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है, ठीक है। कॉमेंट ज़रूर कीजिए, आप बहुत कंजूसी करते हो कम कॉमेंट करने में, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। मार्स की एक और लिपस्टिक आपको दिखा रही हूँ, दिस इज़ कॉल्ड टेक अ डेट, ठीक है। ये सारे शेड्स ऐसे हैं डेट नाइट कुछ इस तरह के ना, तो ये शेड्स इतने प्यारे हैं कि वाकई पे लिप्स के इतने अच्छे लगते हैं कि वो डेट की तरफ इनको लेके जाते हैं, फॉर अ डेट नाइट, यू नो, फॉर अ रोमांटिक काइंड ऑफ। सो यस, सो ये है नेक्स्ट, तो ये भी एक डीप मरून शेड है, ये काफ़ी मिलता जुलता है डिवाइन वाइन से, बट द ओनली थिंग इज़ कि वो ट्रांसफ़र होता है, ये ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो आपकी प्रेफरेंस है, आप ट्रांसफ़र प्रूफ लेना चाहते हैं या दूसरा लेना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कलर बिल्कुल सिमिलर है, आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ दिखाया इसलिए क्योंकि एक ट्रांसफ़र प्रूफ है और दूसरा नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑल्सो फ्रॉम मार्स गाइज, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल शेड, दिस इज़ कॉल्ड री यूनाइट फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक्स एंड इट्स अ बटरी काइंड ऑफ लिपस्टिक्स, बहुत
अच्छी लिपस्टिक्स हैं ये, ठीक है। हल्की फुल्की ड्राइंग है तो लिप बम अप्लाई कर लीजिएगा। एप्लीकेशन वन स्ट्रोक एप्लीकेशन है, पिगमेंटेशन की कोई कमी नहीं है और काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी आपको मिल रही है इसके अंदर, तो आप लगा सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग शेड्स भी मिल जाते हैं, तो इफ़ यू वॉन्ट टू चूज़ एनी अदर कलर यू कैन, ठीक है। ये थोड़ा सा रेड साइड पर हल्का सा पहली वाली मार्च से हल्का सा ये ज़्यादा रेड है, तो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा रेड अच्छा लगता है तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो। सभी शेड एक दूसरे से डिफरेंट हैं, सिर्फ एक को छोड़ के जो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम ब्लू हेवन गाइज, इट्स 05 शेड, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मरून शेड एंड ये थोड़ा ना पर्पलिश मरून शेड है। अगर जामुन देखा ना आपने, जामुन को मिक्स करके अगर बीच में डाल देना तो ये शेड बन जाएगा। इस शेड से आपकी कॉम्प्लेक्शन जो है ना वो लाइट लगती है, यानी कि आप हल्के हल्के फेयर लगने शुरू हो जाते हो, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्शन ही इसका ऐसा है, इसका ये कलर ही ऐसा है और बहुत कंफर्टेबल है ये आपके लिप्स के ऊपर। मैं इसे बिना लिप बम के भी अप्लाई कर लेती हूँ, जल्दी में हूँ तो कभी भी ड्राई नहीं करती है ये वाली लिपस्टिक्स। इसमें और भी काफ़ी सारे शेड्स हैं जो मैंने दिखाए हुए हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू सी दैट वीडियो मैं आपको लिंक कर दूँगी नीचे, बाकी के शेड्स भी आप देख सकते हो। बट इन दिस कलेक्शन आई वुड लव टू एड दिस कलर, आप देख सकते हो सबसे अलग ही ये दिख रहा है और बहुत अफोर्डेबल भी है। 100 rupees में आपको मिल जाता है, 100-110 में ईजिली आपको अवेलेबल है। लिंक्स आपको नीचे मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इन लिपस्टिक्स को लगाने के लिए ना कुछ लोग लिप लाइनर भी यूज़ करते हैं, किसी ने मुझसे पूछा था तो मैंने सोचा मैं दो लिप लाइनर्स भी ऐड कर दूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो फर्स्ट इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी गाइज एंड दिस इज़ इन द शेड मरून, इसका नाम ही मरून है। और अगर आप अच्छा एक बहुत अच्छा लुक चाहते हैं ना अपने लिप्स का, तो आप लिप लाइनर जरूर यूज करें, ठीक है। और ये शेड ही बहुत अच्छा है, ठीक है। आप सिंगल भी इनको अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप ज्यादा लिपस्टिक लगाने के मूड में नहीं है ना तो आप हल्का हल्का इन्हें अप्लाई कर लें। और लिप लाइनर के साथ जो लिपस्टिक की लुक आती है ना वो नेचुरली कभी नहीं आती है, ठीक है। हमेशा जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो कभी लिप लाइनर के बिना लिपस्टिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसके बिना लुक उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो मेक श्योर अगर आपको ये पसंद है तो आप इन्हें भी ले सकते हैं, ठीक है, इट्स योर चॉइस। मैं सिर्फ उनके लिए दिखा रही हूँ जो पसंद करते हैं लिप लाइनर लगाना मेरी तरह, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम ADS एंड दिस इज़ कॉल्ड इंडियन रेड, ठीक है। और ये बहुत सुंदर रेड शेड है, सभी के साथ ये चल जाएंगे, ठीक है। कोई भी लिपस्टिक इसमें से ऐसी नहीं है जिसके साथ ये नहीं चलेंगे। फर्स्ट वाले शेड के साथ ये बहुत अच्छे से जा रहे हैं, सिर्फ ये ब्लू हेवन के शेड के साथ में भी ना जाए, बाकी सभी के साथ ये जा रहा है।